थानेसर के चुनावी रण में भाजपा के टिकट पर तीसरी बार उतरे राज्य मंत्री सुभाष सुधा को आज सेक्टर 7 में मिनी फूड मार्केट के दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया। मिनी फूड मार्केट के दुकानदारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने शिरकत की, जहां सभी रेहड़ी संचालकों और दुकानदारों ने भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर सुतेंद्र गौड़ ने अपने विचार रखे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने बीते 10 वर्षों में भाजपा राज में कुरुक्षेत्र में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और इन विकास कार्यों की बदौलत सभी से अपील की कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में अपना कीमती वोट भाजपा को दे, ताकि थानेसर में चल रहे विकास कार्य तेज गति से जारी रहे। इस दौरान उन्होंने आज कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कुरुक्षेत्र में रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की खुशी जमकर मनाई। इस मौके पर उनके साथ विकास कोहली, पवन गगन कोहली व अन्य कई दुकानदार जोंटी आदि भी मौजूद रहे। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा आपके बीच में, सर्वप्रथम इस बात की आज खुशी होनी चाहिए जोरदार तालियों से। आज नितिन गडकरी जी आए थे आपका बाईपास करके, रिंग रोड करके, ये सबसे बड़ी बात थी कि आज मैं लेके आया था। सबसे बड़ी जो चाहते थे वो करके दिखाया आपने। जी काम किया है, काम करेंगे, काम की नौकरी मांगेंगे। तो देखिए, मैं आज फूड मार्केट में आया हूँ। फूड मार्केट के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, देखिए एक बात कहता हूँ कि आपकी मार्केट, हाँ जी आपकी मार्केट पहले दुकानें वहां थी मेन रोड पे, हाँ जी, तो मेन रोड से भाई बैठोगे नहीं सिर्फ, हाँ भाई बैठो, मेन रोड पे दुकानें थी ना, हटाने का प्रयास किया तो यहाँ पक्की किसने करी? और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते ही तोप की गड़ी की मार्केट बनाऊंगा, आपको सबको दूंगा की दुकान। 8 तारीख के बाद आपकी रेडी मार्केट सब बढ़िया होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। ये मेरे पहले भी रेडी मार्केट के लिए सोच रखा है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये अंत्योदय, ये गरीब का सही फैसला करती है, सही सोचती है इनके मन में। अब देखिए 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है, उनका बीपीएल कार्ड बना, तुम्हारे में से किसी का बीपीएल कार्ड बना है? बने हुए ना? आयुष्मान किसका बना हुआ है? मिला है ना? पेंशन किसको मिलती है? मिलती है ना? तो ये चीज़ें जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और एक मैं और भी कहूँगा आप लोगों से, मैं हाउसिंग बोर्ड आल लोकल बॉडी मिनिस्टर तो हूँ, लोकल बॉडी मिनिस्टर, ये जितने भी ना क्या ये दुकानें लगती है, सब सड़कें बनती है, इसका मालिक मैं मिनिस्टर हूँ। इसके साथ साथ हाउसिंग पार हाल भी माल नहीं मालकाना में रखा है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं उसका नाम क्या मंत्री हूँ। मालिकाना के साथ साथ तुम्हें दिलाएंगे, तुम्हें एक बात और भी दिलाएंगे, जिसके पास प्लाट नहीं है, वो सिर्फ मैंने 15,205 प्लाट दिए हरियाणा में, हुड्डा की जमीन चाहे कितने करोड़ मिलेगी, हर आदमी को 30 गज का प्लाट हम देंगे हुड्डा के अंदर 3,000 का। तो मैं तो लंबा थोड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं ये कहने आया हूँ, बहुत किया है। आप देखो पूरे के पूरे शहर में हॉस्पिटल को 50 बेड का था, कितने बेड का बन रहा है? 200 का। स्कूल बनाने का निर्माण किया, किरमन में स्कूल बनाया, इधर किरम स्कूल बनाया आपके सब्जी मंडी में, जहाँ मंत्री है ना पूर्व, उससे स्कूल नहीं बना, मैंने स्कूल बनाया। और सबसे बड़ा काम ये देखो 371 का एलिवेटेड ट्रैक बना, नहीं बना ये बना ना एलिवेटेड ट्रैक, पाँचों फाटक खत्म कर दिए, हम तो बोल नहीं सो खड़े। मुख्यमंत्री लड़ रहा है लाडवा से, ठीक है, और मैं लड़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मुख्यमंत्री जी सीएम शुरू हो गया, तुम्हारा अपना मुख्यमंत्री हो गया शहर में, रहते 3 में अपना हो गया, रोहतक वाला बनाना ही हमारा प्लान है, वोट कहाँ पाओगे? आज शाम के बाद तुम्हारी कोई भी सूप पीने आए, खाना खाने आए, उसको यूँ कहीं वोट किसको दे रहा है भाई? दे बीजेपी को वोट दे, कभी कभी शांत दे, करोगे पूरा प्रचार करोगे? एक सुन लियो, जैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, मैं ही खड़ा हो सकता हूँ। जय श्री राम। इनके साथ ये टोला ऐसा है, और ये सकला देखो ना, एक मिनट,
भाई रुक जा। हेलो आज मेरी थ्रेशर की जनता को इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। सभी काम हो चुके थे, एक काम रिंग रोड बाईपास का था, मेरे को बहुत दिनों से इंतजार था। मैंने हरियाणा विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी बात उठाई, मैंने विधायक दल की मीटिंग उठाई, मैंने हरियाणा सरकार से पास कराया, उसके बाद भारतमाला टू में पास हो गया था सेंटर से। और आज खुशियों वाला दिन आज आया है, आदरणीय नितिन गडकरी सेंटर मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया था, उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया कि तंत्र से आपका बाईपास बनेगा। और नितिन गडकरी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, उन्होंने देखो 152 डी इस प्रकार से बनाई, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया, इस प्रकार हर बार जाते थे सात काली हो जाती थी, इस प्रकार की व्यवस्था थी। आज पूरे देश के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय नितिन गडकरी जी ने दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत बड़ी खुशी की बात थी। इसके साथ ही आज मुझे यहाँ पर अपना रेडी मार्केट में फूड मार्केट ने बनाया, ये बच्चे जो मेरे साथी हैं बहुत सालों से मेरे साथ ही चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पवन जी, पवन जी और सब पूरी टीम, सारी टीम ने बनाया, मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी आपने तो भाई सारी टीम सारी सुबह सुबह मार्केट में हमने बनाई थी, और मार्केट का आज मेरे को उन्होंने इतना मान सम्मान दिया कि आपके सामने किस प्रकार से बच्चे खुशी से भरे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनकी खुशी की मैं कह तक देख नहीं सकता। और आज ये मेरे भाई हैं और जो पूरा समर्थन दे रहे हैं, मैं तहे दिल से इनका मार्केट देने की भी बात कर रहे हैं आप। देखिए मैं एक बात कहूँगा, आने वाला समय 8 तारीख के बाद ये आचार संहिता खत्म होने के बाद, मैंने इनको पहले ही बोला हुआ है कि आपकी एक रेडी मार्केट बनाई जाएगी और बनाएंगे, रेडी मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। सर बाईपास की बात झूमे आप 20 घंटे काम, फिर भी नाचते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। ये मैं तो खुशी लगता हूँ, मैंने एक बात की अपने कार्यकर्ताओं से, कोई कार्यकर्ता रो के वोट नहीं मांगेगा, हंस के वोट मांगेगा, किसी का दियो वोट कोई नहीं होता, वोट हंस के मांगोगे तो वोट सब मिलेगी आपको। आपने काम किया है, काम के नाम की वोट मांगे, विकास के नाम मांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी के जो कार्य किए हो देश के अंदर उनके नाम की वोट मांगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी ने काम किया उनके नाम की वोट है, आज मनोहर लाल जी ने जो प्रकाश सिंह ने बैठ पे दिए उनके नाम की वोट मांगे, आप वोट मांगे, काम के नाम की वोट मांगे। आप क्या 10 साल के बाद उठ के आ रहे हैं आज बताइए, 10 साल आपने 10 वर्ष पहले क्या किया लोग जानते हैं, कितने कब्जे किए आपने, ट्रांसपोर्टर पे कब्जे किए, प्लाटर पे कब्जे किए, आज देखिए क्या अवस्था है कि गरीब आदमी के साथ मैं कहूँगा आज मेरे साथ खड़े हैं, कोई बात होगी तभी खड़े हैं ना, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।